हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? हर तरफ घबराहट का माहौल है। जो सीधे साधे सरल निवेशक होते हैं, रिटेल वाले, वो कंफ्यूज हैं। बाजार इतना गर्म है, उनको लग रहा है भाई बाजार नीचे जाएगा या ऊपर, हमको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। खुद ही जजमेंट लेना पड़ता है। अगर मैं बात करूं बाजार में इस वक्त, पहले थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखते हैं, फिर देखेंगे। वैसे मैं बता दूं, भारतीय बाजार इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हिसाब से नहीं चल रहे, वो अपने दम खम पर चल रहे हैं। अगर अभी आप देखते हैं अमेरिका के बाजारों की बात करूं तो रेंज बाउंड मूवमेंट है। हालांकि स्मॉल कैप 2000 आपको पता है वह काफ़ी वोलाटाइल हो चुका है और आज भी वो 1% के आसपास बढ़ा हुआ है। नैसडेक हल्का सा गिरा हुआ है और डाउ जोन्स एंड S&P 500 हल्के फुल्के बढ़े हुए हैं। अगर आप बात करेंगे कनाडा की और ब्राज़ील की, तो दोनों हल्के फुल्के लाली याली में, और पूरा का पूरा यूरोप एकमात्र स्टॉकहोम है साहब जो लाल है, अदरवाइज सब हरियाली में। हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी कहीं देखने को नहीं मिल रही। मोएक्स भी थोड़ा वोलेटाइल है बिकॉज ऑफ वॉर, वो 0.8% बढ़ा हुआ है, बाकी सब आधा परसेंट के लपेटे में ऊपर या नीचे हैं। अब अगर मैं बात करूँ हमारे एशियाई बाजारों की, तो हमारे दो दिग्गज इंडेक्स यानी निकाई जापान का और ऑस्ट्रेलिया सिडनी का S&P, ये दोनों लालियाली में बंद हुए, आधा से 0.5% के बीच की गिरावट के साथ। तेवान वेटेड और कॉस्पी हल्के फुल्के गिरे हुए थे, 0.25% से कम। चाइना के साथ तीनों इंडेक्स हरियाली में, और उनको फॉलो कर रहा था हांगकांग जो कि हरियाली में बंद हुआ। हमारे बाजार की बात करूँ तो हमारे बाजार हरियाली में बंद हुए, हालांकि हरियाली हमारे बाजारों की आज फ्लैट ही थी। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मैं आपको पहले इनके कैंडलस्टिक चार्ट पे लेके जाता हूं। देखिए बाजार इस वक्त यहां वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए ना ये इधर देखिए आप कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। देखिए आज चौथा दिन था जब बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। बाजार में ऐसे कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहे जो ये बताएं कि ये गैप इस वक्त कब फिल होगा। बार बार मुझे लगता है कि पहला गैप तो कम से कम फील होना चाहिए, पर बाजार में कोई इस कमजोरी का संकेत नहीं है। दो दिन से लाल कैंडल बनी है, इसका मतलब बाजार खुला तो ऊपर था, जहां खुला था वहां से नीचे बंद हुआ, यानी बाजार अपनी खुलत को सस्टेन नहीं कर पाया। बाजार यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, भारतीय बाजारों में डिमांड बनी हुई है, रिजल्ट आने अब शुरू हो जाएंगे, तो उसके चलते बाजारों में पता नहीं इन्फोसिस के आज रिजल्ट आने थे, आज आने थे इन्फोसिस के हैं, इन्फोसिस के TCS के TCS रिजल्ट्स Q1 24 देख लो, बारह जुलाई को आएंगे, अभी टाइम है, दो दिन बचे अब ये, हाँ ठीक है, अभी 12 जुलाई को आएंगे। अब ये जब रिजल्ट आएंगे तो इससे बाजार का मूड माहौल निर्भर करेगा, बाजार कैसा रहेगा। आज अगर मैं बात करूँ शुरुआती दौर में IT सेक्टर लालियाली में चल रहा था, हालांकि फिर चढ़ा घरियाली में आया, फिर वो लालियाली बंद हुआ। मैंने हल्की फुल्के से काम IT सेक्टर में किए हैं, IT सेक्टर में मेरा पेट भर चुका है। इन्फोसिस और TCS थोक के हिसाब से अपने अकाउंट में आ चुके हैं। TCS के 4-5 लॉट, 5-6 लॉट भी हो सकते हैं, और आपके इन्फोसिस के भी 4-5 लॉट हैं। अभी मैंने उनको छोड़ा है, मेरी थोड़ी सी निगाहें टेक महिंद्रा HCL टेक पे हैं, इनके मेरे पास एक एक दो दो लॉट है। LTIM जो कि अब HDFC को रिप्लेस करके Nifty 50 में आ जाएगा, उसके भी लगभग 2 लॉट से थोड़े से कम शेयर पड़े हैं, और मुझे लगता है इस बार उसके भी 3 या 4 लॉट मैं कर लूँगा, उसका मेरा टारगेट है। क्योंकि अब ना बड़े लॉटों में काम आ रहा है, अभी देखेंगे आप मेरे ना स्टाइल और बदलेगा भी निवेश का, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल लॉट हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे मैं तभी, जैसे शेयर्स की मैंने आपने देखा होगा कैश सेगमेंट में क्वांटिटी बढ़ा दी है, आने वाले वक्त में हो सकता है मैं लॉटों में काम करना शुरू कर दूँ। 100-150 शेयर लेना, मतलब लूँगा थोड़े बहुत, वो तो लेता ही लॉन्ग टर्म पॉइंट से, पर उनमें भी काम करना शुरू करूँ थोड़ा सोच समझ के, हालांकि अभी मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ। अब अगर देखेंगे बुलिश क्रॉसओवर जो है बना हुआ है, और वो दो दिन से लगातार उसका जो गैप है वो कम हुआ है। आप देखेंगे दो दिन से लाल हिस्टोग्राम आ रहे हैं। बाजार में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है 19,000 के लेवल पे, जब तक बाजार 19,000 के नीचे नहीं आता चिंता की बात नहीं है, 19 के नीचे आ जाए तो भी घबराहट नहीं है,
अपवर्ड ट्रेंड मेंटेन रहेगा। अगर ये 18,600 को काटता है, 18,500 की तरफ बढ़ता है, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि बाजार में ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है। अभी हमारे पास बहुत बड़ा मार्जिन पड़ा है, लगभग 1,000 पॉइंट का, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। आरएसए भी काफ़ी मजबूत है, तो अभी मेरे हिसाब से अप ट्रेंड मेंटेन्ड है। और मैं जब भी कहता हूँ अप ट्रेंड, तो इसका मतलब बाजार चढ़ेगा, पर डार्लिंग गिर गिर कर। आज अगर आप देखेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ आज बाजार में क्या रहा। पहले थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको सारे बाजारों का। भाई ग्रीड काफ़ी कम हो गया है, हालांकि अभी भी अच्छे लेवल पे 73.5 है, पर जिस तरह से वोलेटिलिटी दो दिन से रह रही है, तो जो इसने 80.7 का ग्रीड बनाया था, अब थोड़ा सा ठंडा हुआ है, ये नॉर्मल है। आज यूएस डॉलर इंडेक्स खासा कम हुआ है, 103 के नीचे आ गया, जिसको हम फेवरेबल कहेंगे, काफ़ी दिन से 103 के पार चल रहा था। अब क्रूड थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि बहुत एक लंबे पीरियड के बाद आप देखेंगे वो 78 के लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नेगेटिव है। रुपया 82 के ऊपर काफ़ी चला गया, इसको भी नेगेटिव होगा। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है यूएस की, वो लगातार बढ़ रही है, अब वो लगता है 4.1 के आसपास जाएगी, जो 4 नवंबर के मतलब आप देखेंगे अक्टूबर 19 के लेवल्स को तो क्रॉस कर चुकी है 2022 के, और अब 4 नवंबर के भी लेवल क्रॉस करते हुए नज़र आ रही है, जो अपने आप में चिंता का विषय। आज FIs ने फिर हल्की फुल्की खरीदारी करी है, पर उनके साथ हाथ बढ़ाकर, हाथ मिलाकर DIs ने भी माल खरीदा, और ओवरऑल शुक्रवार के मुकाबले जब एक बड़ी बिकवाली आई थी 2200 करोड़ के आसपास की, आज एक ठीक ठाक सी 900 करोड़ से थोड़े कम की खरीदारी आई है। ये डाटा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा मैंने वीडियो टाइम से बनानी होती है तो मिल नहीं पाता है, वेट ही करता रह जाता हूँ। ये डाटा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, सावधान, हम कोई टेलीग्राम चैनल पर टिप विप नहीं देते, मार्केट एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं, आइटम्स डालते हैं, खबरें डालते हैं, जो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके एक जगह ला के संजो के रख देते हैं, ताकि आपको भटकना ना पड़े। और उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में दिया हुआ है, वहीं से ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल हैं जो मेरे नाम से पैसा वसूलने में लगे रहते हैं। अब अगर आप बात करें निफ्टी 50 के चार्ट की, तो आज निफ्टी 50 का दिन वोलाटाइल था, पिछली फ्राइडे को क्लोजिंग थी 19,331 की, वहाँ से एक अच्छी गैप अप ओपनिंग लगभग 70 पॉइंट की थी, और शुरू में ही भागा और 19,435 का पीक बना लिया, फिर गिरा, फिर एकदम चढ़ गया, फिर गिरा और एक बॉटम बनाया 19,327 का, फिर उसके आसपास ही 19,355 पर, पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन जो आज ओपनिंग थी उससे काफ़ी नीचे क्लोज हुआ है और डेज लो के आसपास क्लोज हुआ है। ये ओवरऑल थोड़ा बाजार में कमजोरी के संकेत है। आज बाजार को बचाने वाला एकमात्र शेयर था रिलायंस, आज रिलायंस 125 रुपये तक के आसपास भाग गया था, इसने 2756 के आसपास का, 55-56 के आसपास का पीक बनाया। इसको फॉलो करने वाला था टाटा स्टील, JSW स्टील, भारती एयरटेल, HDFC लाइफ, बजाज ऑटो और अदानी एंटरप्राइज। बड़ी अगर आप देखेंगे तेजियां, मज़ेदार दो शेयरों में देखने को मिली 3% से ऊपर की, और वो है रिलायंस और टाटा स्टील। गिरने वालों में टाइटन कंपनी सबसे आगे था, 3% के आसपास गिरा, HCL टेक गिरा, पावर ग्रेड, TCS, HUL, विप्रो और नेस्ले। आज IT सेक्टर्स कमजोर थे, सहारा नहीं दे पा रहे थे। अब ये इस चार्ट को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं 19,400 के लेवल पे और 19,300 के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे पुट राइटिंग डिक्लाइन हुई है, नहीं पुट राइटर्स थोड़ा अपने को इस सभी लेवल्स पे हल्का करके चले हैं, और 19,400 और उसके ऊपर के 19,400 पे कॉल रेटिंग बढ़ी, हालांकि उसके ऊपर कम हुई है वो मुनाफा वसूली की वजह से, पर 19,400 पे कॉल रेटिंग कॉल रेटिंग सब जगह कम हुई है, हालांकि अभी भी बड़ी कॉल रेटिंग है हमारे पास 19,400 पर। तो 19,400 एक ऐसा लेवल है जिस पे कॉल रेटिंग भी हाईएस्ट है, पुट रेटिंग भी हाईएस्ट है, पर कॉल रेटिंग पुट रेटिंग के डबल तो नहीं पर उसके नज़दीक है। और अगर हम मंथली की बात करें तो 19,000 पे पुट रेटिंग हाईएस्ट है, 19,500 पे कॉल रेटिंग, यानी महीना इस वक्त डाटा के हिसाब से 19,500 के लपेटे में जा रहा है, थोड़ा 19 से नीचे हो सकता है, थोड़ा 19,500 के ऊपर हो सकता है, ये रेंज निकल के आ रही है।
पीसीआर की बात करें तो हल्का सा पीसीआर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जो 0.69 हो गया था फ्राइडे को, आज बढ़कर 0.78 हो गया, पर अभी भी ओवर सोल्ड है। मंथली पीसीआर स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, हल्का फुल्का ओवरबॉट ही है। अगर निफ्टी बैंक की बात करूँ, जहाँ निफ्टी 50 हरियाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक लालियाली में बंद हुआ। 44,925 की क्लोजिंग थी, हल्की सी गैप अप अपनी, शुरू में पीक बनाया 45,184 का, अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही था, फिर जो गिरा तो गिरता ही चला गया, फिर थोड़ा संभलने की कोशिश करी, फिर गिर गया, और अल्टीमेटली आखिरी क्षणों में 44,721 का बॉटम बनाकर उसके आसपास ही 44,860 पर 64 पॉइंट की हल्की गिरावट के साथ 0.14% गिरता हुआ बंद हुआ। आज इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक हल्के फुल्के चढ़े हुए थे, बाकी सब बैंक शर्मशार थे, गिरे हुए थे नीचे की तरफ, अपने को बैंड बजवा रहे थे। सबसे ज़्यादा बैंक को बड़ौदा गिरा हुआ था। अब इसका अगर हम चार्ट देखें तो भाई साहब इसने तो भर दिया जी, भर दिया अपना गैप, भर दिया। तो निफ्टी बैंक ने एकमात्र गैप छोड़ा था जो MKJ गैप फिलिंग थ्योरी का, जो इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में मानते हैं 90% टाइम लगती है, उसने अपना गैप बिल्कुल भर दिया है, और यहाँ वो बुलिश क्रॉसओवर बना रहा है, पर उसमें भी लाल हिस्टोग्राम दो दिन से बन रहे हैं, और RSI अब 60 के नीचे आ गया। कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ओवरऑल अभी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ जब उसने गिरावट का दौर शुरू किया था फिर एकदम भाग खड़ा हुआ और उसने एक बड़ा लाइफ टाइम हाई बनाया। तो अब देखते हैं, अभी तो वो अप ट्रेंड मेंटेन्ड ही है, मैं नहीं कह सकता अप ट्रेंड अभी गिरा है, जब तक थोड़ा सा कोई ऐसे चिन्ह नहीं आते हैं, बाकी ओवरऑल अभी ये थोड़ा सा, लेकिन इसने एक ए शेप फॉल तो हल्का फुल्का बना ही लिया है। अब अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो 45,000 का ऐसा लेवल है जहाँ पे कॉल रेटिंग बड़ी है और हाईएस्ट है, यहाँ पुट रेटिंग घटी है पर हाईएस्ट है, यहीं पर मैक्सिमम पेन है। तो अभी बाजार 45,000 के लपेटे में सिमटता सा नज़र आ रहा है। अगर मैं PCR की बात करूं तो भाई साहब और गिरा है, फुल टॉस ओवरसोल्ड है वीकली PCR, और मंथली PCR भी वन के नीचे आ गया। मंथली PCR जब वन के नीचे आया तो कमज़ोरी की तरफ इशारा कर रहा है, और वीकली वाला ओवरसोल्ड है, हो सकता है एक ऊपर का उछाल देखने को मिल सकता है। तो आज अगर मैं बात करूं तो आज का दिन अच्छा था, रिलायंस में आपको बताया टाटा मोटर्स में काफ़ी काम करता हूँ, और आज मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी, बड़े दिनों के बाद आमने देखो आज जम के मुनाफा वसूली की है। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से एक बड़ा मुनाफा हुआ, 1,81,000 का लगभग जो है मैंने आज प्रॉफिट कमाया। आज मैंने बहुत ट्रेड की, मैं खुद हैरान था, बहुत ट्रेड की। जो एग्रेसिव ट्रेड थे वो तीन थे मेरे, तीन एग्रेसिव ट्रेड, जिसको हम कहते हैं ओपल बैरल वाले ट्रेड। तीन मेरे थोड़े सेफ ट्रेड थे, जिसको हम कहते हैं प्लैटिनम पर रूबी वाले ट्रेड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैंने 7 स्क्वायर ऑफ किया आज ऑप्शन दबा कर। एमरल्ड और सफायर की जो मैंने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी वो 23 बार करी, और 1,81,120 का एक अच्छा मुनाफा कमाया। कई तरह की मैं उसमें स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ। देखो शेयर बाजार में ना कहीं लूप होल्स होते हैं। आजकल एक पर्टिकुलर लूप होल पर मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे करीबन 12% का स्ट्रेट प्रॉफिट हो रहा है। आज मैंने उसमें काफ़ी काम किया, आने वाले वक्त में भी मैं उसमें काफ़ी काम करूँगा। तो इन लूप होल्स का फ़ायदा हमें उठाना होता है। आप भी अगर समझदारी से, सेफ्टी के साथ सीख कर, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से शेयर मार्केट में ट्रेड करें, तभी सफलता की कुंजी को प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज मारे जाएंगे। तो इसलिए सफलता की कुंजी यही कहती है कि इंसान में धैर्य होना चाहिए, धैर्य से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट, कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए, यानी जितना रिस्क टेकिंग एपिटाइट उतना ही काम करना चाहिए। यही सब मैं आपको डेमोज के द्वारा दिखाता हूँ, अपने वीडियोस के द्वारा, एलस्ट्रेशंस के द्वारा। अगर आप भी देखना चाहें, स्टूडेंट बनना चाहें, तो व्हाट्सएप के तो नंबर है 70,11,323,077, 70,11,323,077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर व्हाट्सएप के यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो मेम्बरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हैं। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है अगर आपने IPO में अप्लाई करना है। आजकल बढ़िया IPOs आते रहते हैं,
दो आईपीएस बड़े अच्छे खोले, साइंट का और आइडिया फोर्स, दोनों में मैंने अप्लाई किया था, हालांकि एक भी अलॉटमेंट नहीं आई। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डीमैट अकाउंट का, वहाँ से खोलिए। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, हमारी शुभकामनाओं से आपका शेयर बाजार का सफर अच्छा रहना चाहिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के दीताज बादशाह।